हाल है उसके पेश नज़र हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग दिया है, और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरे दस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। यही मेरी पाकिस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश है और मेरी नेक तमन्नाएं भी तमाम लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान और अपनी खैरियत से रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे और जो उनकी अरेस्ट जी, बिल्कुल मेरे ख्याल में जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट किए गए हैं या जिनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरी अलाकाम से गुजारिश होगी कि उन बेगुनाह लोगों को उनके साथ नरमी के साथ ट्रीट किया जाए और उन बेगुनाह लोगों को रिलीफ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। देखिए जी, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जब से मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और मेरा ज़मीर मुतमैन है कि मैंने नेक नीति के साथ अपने सूबा के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग दिया है। तकरीबन 14 महीने हो गए मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ मुख्तलिफ अदालतों के अंदर और उनके साथ मैं अंगेज हूँ और सियासत के अंदर मैं एक्टिव नहीं हूँ, एक्टिव रोल मिला नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बजाय इस सूरत हाल के अंदर अपने आप को कुछ अरसे के लिए मैं ब्रेक ले लूँ और मुल्क की खुशहाली और इसकी तरक्की के लिए मैं हमेशा दुआगू हूँ और दुआगू रहूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।